यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उगती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, वह कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खुंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी, फिर भी जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है तब किस काम की हो सकती है? सो प्रभु यहोवा यो कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूं, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को कर दूंगा। मैं उनसे विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन होंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।